नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कार्यकर्ता ने बताया कि बीजेपी सरकार द्वारा जानवरों की गिनती करना मगर ओबीसी की गिनती ना करना ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान है। इस अपमान के खिलाफ राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन प्रथम चरण 30 मार्च 2023 को 31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए हैं। दूसरा चरण 5 अप्रैल 2023 31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन। तीसरा चरण 17 अप्रैल 2023 31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालयों पर रैली प्रदर्शन। चौथा चरण 30 अप्रैल 2023 भारत बंद। राहुल गांधी के द्वारा नीरव मोदी, ललित मोदी और महुल चौकसी जैसे देश का पैसा लूटकर विदेश भागने वालों को बचाने का आरोप भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाया गया था, जिसके कारण राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और उनकी संसद की सदस्यता भी समाप्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी का रहे हैं, पैसा लूटकर भागने वालों में एक भी ओबीसी के लोग नहीं हैं। देश के आरएसएस भाजपा की सरकार है, देश से जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ओबीसी हैं। इसके बावजूद भी भाजपा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि वह ओबीसी की मिलती नहीं करेंगे। आरएसएस और भाजपा द्वारा ओबीसी की मिनी का विरोध करना तो ओबीसी समाज का सबसे बड़ा अपमान है। इसके साथ ही भाजपा द्वारा खुद को बचाने के लिए देश को लूट कर भागने वालों के साथ में ओबीसी समाज को जोड़कर पूरे समाज का अपमान किया जा रहा है। इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जनगणना कराकर ओबीसी का हो रहे अपमान पर रोक लगाई जाए। जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जन के मुद्दे के साथ ही हम लोग खड़े हैं। इस देश में जानवरों की गिनती होती है लेकिन हमारे इंसान ओबीसी हम 1931 के माध्यम से 52% हैं, अभी तो हम 60-65% हैं। यहाँ हिजड़ों का गिनती होता है, जानवरों का गिनती होता है लेकिन पिछड़ों का गिनती नहीं होता है। यहाँ ईवीएम के माध्यम से घोटाला किया जा रहा है। वोट हमारे, हम वोट कहीं देते हैं ये पारदर्शी नहीं है। वोट कहीं भी देते हैं हम अपना जिसको देना चाहते हैं उस जगह पर नहीं जाता है, वोट ईवीएम से घोटाला किया जाता है। तो आप जातीय जनगणना पे क्या कहना चाहेंगे, उसे हटाना चाहते हैं? जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए। अच्छा, जातीय आधारित जनगणना हमें होना चाहिए। जब तक जातीय आधारित जनगणना नहीं होगा तब तक इस देश में एक एक जाति का जो पूरे चारों स्तंभ पर बैठा हुआ है। अभी वर्तमान समय में जो हमारे संगठन का मांग है कि इस समाज को मनुवादी व्यवस्था के तहत हजारों टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया, और जब तक देश में सही सही आंकड़े सरकार के पास नहीं होंगे विभिन्न जातियों की, तो कैसे पता चलेगा कि इतने लंबे समय के आज़ादी के वर्ष में किस जाति के लोग आज शैक्षणिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर कहाँ खड़े हैं। इसलिए हम लोगों का मांग है कि ओबीसी के जाति आधारित गणना के साथ साथ भारत में जितनी भी जातियाँ हैं सभी जातियों की गिनती हो और उसका सार्वजनिक रिपोर्ट प्रदर्शित किया जाए कि आज देश में कौन कहाँ खड़ा है। दूसरा हम लोगों का मांग है कि हमारे संविधान निर्माता और हमारे पूर्वजों ने जो समाज में दबे कुचले पिछड़े लोग हैं उनके लिए शिक्षा में, नौकरी में, शासन में, प्रशासन में आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन ये बड़े चालाकी से लोग सारे सरकारी फैक्टर को धीरे धीरे निजीकरण करके और आरक्षण की व्यवस्था ख़त्म कर रहे हैं। अब हम लोगों का मांग है कि अगर आप निजीकरण कर रहे हो तो निजी क्षेत्रों में भी सारे लोगों को SC ST OBC को आरक्षण की व्यवस्था की जाए। साथ साथ जो हमारे किसान, आपने देखा कि महीनों धरना प्रदर्शन पर रहे, हजारों लोग शहीद हो गए, लेकिन जो मांग थी उनकी MSP की, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बने, लागू नहीं हुआ। इसलिए हम लोग भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बहनों से मांग करते हैं कि ये किसानों के हक में है और इस कानून को लागू किया जाए। ये धरना देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं ओबीसी हैं, पर अभी बाघ के प्रेमी हैं। ओबीसी हैं, इनको ओबीसी प्रेमी होना चाहिए था। ओबीसी की जनगणना, जाति जनगणना करा कर के ओबीसी के संख्या के अनुकूल इनको अधिकार देना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम
जनगणना की मांग उनसे कर रहे हैं।